अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की इनखला व तवील जंग के खात्मे का खैर मकदम करते हुए इसे खुश आइन कदम करार दिया। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि अमरीका तो निकला मगर अफगानिस्तान को तबाह करके निकला। इन्होंने तालिबान से अपील की कि वो खवातीन, आम शहरियों और सभी मजाहिब के लोगों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएं और इसमें रोल अदा करें। तारीगामी कुलगाम में CPIM के वर्करों के जलसे से खिताब कर रहे थे। अफगानिस्तान में जो हुआ अमेरिका को जाना पड़ा, अच्छा हुआ, हम स्वागत करते हैं। देर कर दी उन्होंने, वो निकले अफगानिस्तान को तबाह करने के बाद, हमें अफसोस है उस बात का। कल भी जाते जाते उन्होंने कई बच्चों को मारा, उसका बहुत ज़्यादा दुख है हमें। अफगानिस्तान के आवाम को ये ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए था, ये बर्बादी। उनके लिए भी अच्छी ज़िंदगी चाहिए। अब पहले यही है कि वो अपने अफगानिस्तान को संभालने की जिम्मेदारी है इस बर्बादी के बाद, और लाजमन पूरे दुनिया के ममालिक को उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो खंडरात को संभालें। और तालिबान की लीडरशिप से भी हमारी यही दरख्वास्त होगी, भाई आपने संभालना है पूरे कौम को, उस कौम में जहां मर्द है, जहां लड़के हैं, वहां हमारी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चियां भी हैं, उनको भी संभालना है, उनको भी इज्जत देनी है, उनको भी अपना अधिकार देना है। और हम उम्मीद कर लेंगे क्या खत्ते में अमन कायम हो, एक साथ मिलकर रहने की एक सिम्मत में वो भी काम करे, हम सब इकट्ठे मिलकर काम करें। उधर तारिगामी ने दफा 370 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में